हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ और देखते हैं कौन सी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली पहली जो न्यूज़ आई आज वो आई है INS बाज के बारे में। तो देखो, INS बाज है, ये हमें ध्यान में रखना है कि यह इंडियन नेवल का एक एयर स्टेशन है। मतलब एक तरीके का यह है प्लेटफॉर्म टाइप का है, जाकि रनवे वगैरह के तौर पर इसका यूज है वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, किस लिए इसको स्थापित है, सिचुएट है वो क्या क्या है। तो देखो, वैसे तो इसको सिचुएटेड काफ़ी पहले किया गया था, बट अभी ये न्यूज़ में आया है तो हमें पता होना चाहिए कि INS बाज है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसका यूज है वो करेंगी, और ये जो मलक्का स्टेट है इसके काफ़ी क्लोज में है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया की जो सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है आर्म फोर्स की, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। लोकेशन हम देखें तो ये लोकेशन है वो है कैंपबेल बे। कैंपबेल बे है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंडिया का सदर्न एंड लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसी के साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। यह किस टाइप का एयरपोर्ट है? यह जो एयरपोर्ट है वो है नेवल एयर स्टेशन, मतलब कि जो हमारी आर्मी या मिलिट्री वगैरह हैं वो इसका यूज़ करेंगी, ताकि वहाँ पे निगरानी वगैरह है वो रखी जा सके, आसपास के एरिया में सर्विलेंस वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, और जो क्वालिटी है वहाँ पे मतलब निगरानी की उसको इम्प्रूव करना है तो उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के बारे में। न्यूज़ अभी आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉरपोरेट अफेयर है उसके द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, क्या क्या इसके फैक्ट हैं। तो देखो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक एरिया है, इस एरिया में कोई भी कंपनी स्थापित हो रही है या कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है, तो आपको पता है अगर ये कंपनी इस एरिया में काम करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ के आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करेगी। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो वो प्रभावित होने वाले हैं। या आप ऐसे मान सकते हो कि जहाँ जो लोग यहाँ पहले रहते थे उनको यहाँ से रिहेबिलिट किया जाएगा, इनकी ज़मीन एक्वायर की जाएगी, तभी तो कंपनी स्थापित होगी ना। मतलब क्या हुआ? मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो वर्कर या जो लोग पहले यहाँ पे आसपास के कम्युनिटी में लोग रह रहे थे वो कहीं ना कहीं कोई भी फैक्ट्री कंपनी कुछ भी लगती है तो उससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की, या उस कंपनी की जिम्मेदारी को मतलब प्रूव करने के लिए कि भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करो, इसके लिए प्रावधान किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में कि भाई आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसा है वो आसपास के एरिया के डेवलपमेंट में खर्चा वो करना होगा। तो देखो, इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पर कंपनी है। जैसे कुछ क्राइटेरिया ऐसे रखे गए हैं कि वो कंपनी जो कि इस एरिया में काम कर रही है वो पिछले 3 साल का जो उसका टर्नओवर है उसके आधार पर जो एवरेज टर्नओवर निकाला जाएगा, और फिर उसका 2% पैसा है रिवेन्यू का, प्रॉफिट का, वो उसे यहाँ पे खर्च करना होगा आसपास के एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे कि रोड वगैरह बना सकती है, या फिर कोई स्कूल वगैरह खोली जा सकती है, या फिर कोई भी और भी तरीके के पंचायत वगैरह में काम करवाए जा सकते हैं, किसी भी टाइप का काम यहाँ पे हो सकता है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये काम सुनिश्चित किया जाता है इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अब अगर कोई कंपनी इन गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है तो उसके ऊपर फाइन का प्रावधान भी किया गया है कि भाई अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उस पर फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा। तो इसीलिए अभी ये अवार्ड जारी किए गए हैं कि भाई कौन सी कंपनी ने कितना अच्छा काम किया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड है वो जारी किए गए हैं। तो ये आपको उस पर ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के कुछ प्रावधान होते हैं कि पिछले जो 3 साल होती हैं उनका एवरेज जो रिवेन्यू होता है, प्रॉफिट रिवेन्यू की बात की जा रही है ओनली, उस प्रॉफिट रिवेन्यू के आधार पर 2% है वो उनको हर साल खर्च करना होता है। और अगर कोई कंपनी 3 साल पुरानी नहीं है तो उसका जो एवरेज है नेट प्रॉफिट है उस तरह से मान लिया जाता है, मतलब बेस को लेके, और फिर उसको कुछ पैसा है वो खर्च करना होता है। तो ये ध्यान रखना कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड है वो कौन जारी करता है और किस लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है साखलिन ऑयल फील्ड के बारे में। देखो, साखलिन वैसे एक आइलैंड है जो कि जापान और रसिया के बीच में एक विवाद का काफ़ी बड़ा इशू है। तो हम पहले इसकी लोकेशन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है साखलिन आइलैंड, और ये यहाँ पे है जापान, और ये अगर साखलिन आइलैंड जो कि अभी हम बात करें रिसेंटली तो ये रसिया के अंडर है। न्यूज़ वैसे ये है कि साखलिन आइलैंड में कुछ ऑयल के काफ़ी बड़े रिजर्वर्स पाए गए थे, और उनमें से कुछ रिजर्व पे हमारे देश की जो ONGC है
वो काम कर रही है, तो उसी को लेके न्यूज़ वगैरह अभी आई है। तो एक तो हमारे लिए इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, अगर हम बात करें इसकी और लोकेशन, तो जापान के नर्दर्न साइड है वो है सोकलेन आइलैंड, और यहीं पे इसकी लोकेशन है। इसके पास में अगर हम देखें तो यहाँ पे सी है एक, जिसका नाम है सी ऑफ ओस्कोटस, और यहाँ पे है जो है टेटर स्ट्रेट है, ये इसकी लोकेशन हो गई। यहाँ पे सी ऑफ जापान है, ये यहाँ पे जापान हो गया है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। देखो, मैंने आपको जैसा बताया कि इंडिया की जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसकी अलग अलग ब्रांचें होती हैं अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है तो जो उसकी फॉरेन ब्रांच है ONGC की, उसकी 20% हिस्सेदारी है इस प्रोजेक्ट में। तो ये देखो, इतना तो नहीं याद करने की जरूरत है कि भाई कितनी परसेंट हिस्सेदारी वगैरह है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो ONGC है वो यहाँ पे काम कर रही है, और यह एक तरीके का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है रशिया के अंदर। और किस किस के बीच में है? इंडिया और रशिया के बीच में है ये प्रोजेक्ट, है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। बाकी लोकेशन जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में जो ओकोट्स सागर है, सी है वो, और इसके जो तटीय स्टेट देखो यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे दिख रही है आपको टटर स्टेट, और यह है सी ऑफ ओस्कोट सागर, तो सी ऑफ ओस्कोट दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आती है इसकी लोकेशन। इसी के साथ कुछ और फैक्ट हम देखें तो देखो, जो यहाँ पे लापेरा जल स्ट्रेट है, एक सेकंड आपको दिखता हूँ, दिखाता हूँ, हाँ ये देखो लापेरा स्ट्रेट ये दिख रही होगी आपको यहाँ पे। तो जो लापेरा स्ट्रेट है ये इससे मतलब जापान को, और जो सी ऑफ या सॉरी सी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो आइलैंड है, इनको दोनों को अलग करती है। तो UPSC इसकी लोकेशन भी पूछ सकती है आपको। तो यहाँ पे मतलब ये लोकेशन हमारे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में लिहाज से। तो हमें कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि भाई लॉपेरा जो स्टेट है वो किस किस को अलग करती है, और किस किस के बीच में इसको लेके टेंशन हैं, विवाद है, वो क्रिएट हुआ हुआ है, तो ये ध्यान फैक्ट क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है बायो ब्रिक्स के बारे में, यानी कि JO8। तो क्या है ये हम देखते हैं। देखो, भवन निर्माण या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए ईट एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हो जाता है। अभी आपके दिमाग में होगा भाई बायो जो ब्रिक्स है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जितना पोल्यूशन हो रहा है ना, मतलब ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उसमें 9% जो हिस्सेदारी है वो तो अकेली जो ईंट भट्ठे होते हैं ना, इन्हीं की वजह से, यानी कि जो ईंट भट्ठे हैं वो ग्रीन हाउस गैस को बहुत ज़्यादा अमीट करते हैं, और ये भी एक मेजर रीज़न हो जाता है। और आपको पता है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ईंट भट्ठे और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया जा रहा है कि क्यों ना हम बायो ब्रिक्स की तरफ चलें। अब बायो ब्रिक्स है क्या वो हम देख लेते हैं। देखो, बायो ब्रिक्स हैं वो एक तरीके से जो फसल का वेस्ट होता है उससे बनाए जाने वाली ईंटें हैं, और ये एक तरीके की बहुत ही अच्छी इंसुलेटर भी होती हैं, और ये फायर रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब इनमें आग भी नहीं लगती है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी होती है और सस्ती भी पड़ती हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी नहीं होगा इनसे, और बनेंगे किससे, जो फसलों का वेस्ट होता है, जैसे कि गेहूं के जो तिनके वगैरह हो गए, या फिर जो राइस वगैरह से जो पेडी होती है, पेडी स्ट्रो होती है वो हो गई, या फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इन सबको मिला के इसका निर्माण है वो किया जाएगा। अब देखो, इसके कई फायदे हैं। एक इम्पोर्टेंट फायदा तो ये है कि जो दिल्ली NCR वाले एरिया में, आपको पता है कि विंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो आसपास के जो स्टेट हैं, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा, यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है इसकी वजह से होती है। तो एक तो किसानों को जो पराली है वो नहीं जलानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो पराली जलाने की बजाय इन ईंट निर्माण में यूज कर लेंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प रहेगी और एमिशन है वो भी कम हो पाएगा। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि भाई जो बायो ब्रिक्स है उसकी क्यों ज़रूरत है, और कितना ज़्यादा एमिशन है वो इसकी वजह से फैलता है। तो देखो, ऐसे जो फैक्ट है ना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है वगैरह वगैरह, ये फैक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहता है तो आप आंसर राइटिंग में इनका यूज कर सकते हो। ऐसे फैक्ट आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए कि हाँ भाई बच्चे को पता है कि कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है ऑपरेशन कैला मुलर के बारे में। तो ऑपरेशन कैला मुलर है क्या वो हम देख लेते हैं। देखो, इसके लिए दो चीज़ें हम जानते हैं। एक तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको पर्सन दिख रहे हैं, ये हैं IAS IAS के जो हेड हैं, जिनका अभी जिनकी मतलब डेथ है वो हो गई है, जिनका नाम है यहाँ पे आपको बताएं अबू बकर अल बगदादी, जो कि IAS IAS के सरगना या टॉप लीडर थे। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे लेडी, ये हैं कैला म्यूलर। न्यूज़ अभी आई है कि आपको जैसा जानते हो कि ऑपरेशन जो कैला मुरी चलाया गया था, इसके तहत ही जो यहाँ पे अबू बकर बगदादी हैं, इनकी डेथ है, इनकी हत्या है, या बोल सकते हो इन्होंने सुसाइड किया था, मतलब इनको मार गिराया गया था।
अभी न्यूज में इसीलिए आया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कैला मुलर ये ऑपरेशन का नाम क्यों रखा गया। देखो ऐसा इसलिए कि जब 2012 में सीरिया के अंदर जो आईएसआईएस ने अपना एरिया या अपना दबदबा स्थापित किया था वो इसी के द्वारा किया गया था, यह ना जो अबू बकर अल-बगदादी इन्हीं के सानिध्य में किया गया था। और स्टार्टिंग में जो आईएसआईएस बना था उसका नाम था जबात उल नासर। तो जबात उल नासर एक आतंकी या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके इस्लामिक स्टेट जो आतंकी संगठन है वो रख दिया गया था। तो यह ध्यान रखना है कि जो आईएसआईएस है उसका पुराना नाम था वो था जमात उल नासुर आतंकी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और इससे फिर आईएसआईएस है वो बना था। अब देखो हुआ ये था कि ये जो लेडी आपको दिख रही है कैला म्यूलर, ये एक्चुअली यूएसए की ह्यूमन एक्टिविस्ट थी, मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। काफ़ी अच्छा इनका रोल था। और ये 2013 में आई थी सीरिया में। तो इस दौरान हुआ क्या था कि जो ये अबू बकर अल-बगदादी का जो आतंकी संगठन था आईएसआईएस, इन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था। और बाद में इनकी लगभग 2015 में इनकी हत्या है वो कर दी गई थी। इसीलिए जब ये ऑपरेशन चलाया गया इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे कैला म्यूलर रखा गया, ताकि इनको श्रद्धांजलि है वो अर्पित की जा सके कैला म्यूलर को लेके। तो ये कुछ फैक्ट आपको यूपीएससी पूछ सकती है। आईएसआईएस के जो लीडर थे उनका नाम था, ये भी यूपीएससी आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेगी बट आपको फैक्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है एक्साइज आर्मी एक्साइज शक्ति के बारे में। तो देखो जो आर्मी एक्साइज शक्ति है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, पहली बात तो ये है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में आर्मी एक्साइज भी होती है, नेवी एक्साइज भी होती है और एयरफोर्स की एक्साइज भी होती है। आर्मी एक्साइज को तो हम बोलते हैं शक्ति, और नेवी एक्साइज है इसको बोला जाता है वरुण, और जो एयरफोर्स एक्साइज है उसको बोला जाता है गरुड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। बायलेटरल एक्साइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और अभी जो शक्ति यानी कि जो थल सेना है या आर्मी की जो एक्साइज है वो इंडिया के राजस्थान में कंडक्ट है वो की जा रही है। तो ये लेकर कुछ फैक्ट आए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लास्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है कट सिक्वेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, या कट सेक टेक्नोलॉजी। देखो कट सेक जो टेक्नोलॉजी है वो अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो कैंसर सेल हैं इनको काउंट किया जा सकता है, या फिर कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में इनका यूज है वो किया जा सकता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में आया है। वैसे जो कट सेक टेक्नोलॉजी है इसमें होता क्या है कि कोई भी जो ट्यूमर होती है उस ट्यूमर के अलग अलग हिस्से, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कैंसर में क्या होता है कि ट्यूमर जो सेल्स होती है हमारे सिर की वो अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब एक तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में, तो ट्यूमर की फॉर्म में बन जाती है। और उसके अलग अलग हिस्सों का डीएनए लिया सैंपल लिया जाएगा और उसकी स्टडी से फिर आगे ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो जो एग्रेसिव हेटरोजेनस ट्यूमर होती है जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है, हेटरोजेनस का मतलब होता है विषम, रेग्रेसिव का मतलब आपको पता ही है। तो जो ऐसी ट्यूमर होती है कैंसर वाली, इनकी स्टडी करने के लिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए कट सेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और फिर कैंसर का ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, लास्ट जो आर्टिकल है वो है स्विप के बारे में। स्विप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देखो यह जो प्रोग्राम है स्विप प्रोग्राम है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में स्टार्ट किया गया था। और इसका मोटो यह था कि हमारा देश वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो भाई सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट, अपने आप को योगदान है वो दें, यानी कि अपना वोट है वो बहुमूल्य वोट है वो डालें। इसलिए लोगों को या वोटर्स को अवेयर करवाने के लिए, वोटर लिटरेसी को, वोटर साक्षरता को प्रमोट करने के लिए ये जो प्रोग्राम है स्वीप प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था। फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डेमोक्रेसी है, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक एक पर्सन का वोट बहुत बहुमूल्य हो जाता है। और जो वोट है वो किस को डालना है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, किस कैंडिडेट को वोट डालना होता है, इन सब बात के बारे में अवेयर करवाने के लिए ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसलिए ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मिस फॉर डिस्कशन।